व्यवहार तो आपका देख ही लिया है हमने, कैसे काम धंधा कर रहे हैं, आपकी सोच भी देख लिया, आपकी सोच भी कैसी है देखा ही जाएगा, वो तो आपके कहाँ से 350 पा रहेंगे। मैं तो कह रही हूँ आपको 80 से भी ज्यादा मिल जाए वो ही बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, लेकिन यूपी की अगर बात की जाए, विकास की गंगा बह रही है योगी जी की, विकास की गंगा बह रही है मान लीजिए, अब वो गंगा ही साफ करा दीजिए आपसे, यही बहुत बड़ा काम। विकास तो कर रहे हैं ना, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 1,00,000 युवाओं को रोजगार, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, कल परसों वही अंबानी अडानी को भेज देंगे, फिर उसका क्या कर रहे हैं, बना के बना तो रहे हैं ना, बनाते रहिए आप, कितना भी पैसे खर्च करते रहिए, जितना भी टैक्स लीजिए, जितना भी जीएसटी लीजिए, फिर उसे भेज देना। एयर इंडिया आपने भेज दिया, आपने रेल तेल जहाज भेल सब कुछ भेज दिया, बेचते ही रहिए आप तो। दूरबीन कैसे, आपकी दूरबीन ही नहीं होगी, आप तो कह दीजिए, आप एक बात बोल के चले गए, आपको क्या पता कहाँ यहाँ जहाँ लोग रहते हैं, जो आम आदमी रहते हैं, उनसे पूछे क्या हो रहा है यहाँ देश। अब अमित शाह ने दूरबीन लगा के जो फोटो इतना ज्यादा वायरल हो रहा था वो तो आपने देखा ना, गुंडे नहीं नजर आए उन्हें दूर दूर तक, भाई कमरे में चार दीवारों के बीच में दूरबीन से देखोगे तो कहाँ से गुंडे दिखेंगे। और आपको वो तो बोल रहे थे रात के 12 बजे भी कोई लड़की जेवर पहनती भी रात घूमे यूपी में, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए उन्होंने बोला था कि जेवर पहन के एक्टिवा में निकल जाए रात के 12 बजे, कुछ नहीं होगा। उस बात में अमित शाह जी मैं यही कहूंगी कि अगर आप औरत होते, अगर आप एक महिला की बात समझ पाते, तब आपको पता चलता कि कैसे औरतें 12 बजे रात के निकल पाती। अब यूपी गुंडा मुक्त राज्य बना दिया और आप उसी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना दी, गुंडा मुक्त राज्य बना दिया। देखिए आपके तो बीवी बच्चे है नहीं जो आपको पता हो कि कैसे परिवार को संभालते, कैसे परिवार को क्या चाहिए होते, क्या जरूरत चाहिए होती, कैसे कैसे एक परिवार का जो सदस्य होता है, जो मुखिया होता है, वो कैसे कैसे परिवार के लिए पैसे जोड़ता है, कैसे कैसे कुछ कुछ करता है। तो अगर आप योगी जी से इतना खपा हैं तो प्रियंका गांधी ने भी एक नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। देखिए बहुत अच्छा नारा दिया उन्होंने, कहा ये तथन की वजह से कितनी लड़कियों में जोश हुआ है, कितनी लड़कियां उनके तथन की वजह से बोल पा रही हैं। लेकिन अगर चुनाव की बात की जाए, आपको क्या लगता है यूपी में कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपके आपके संदीप मिश्रा आपके विचार जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है यूपी में कौन सी पार्टी है जो आ सकती है? देखिए मैं तो कहती हूँ कि आम आदमी पार्टी है एक तो, और दूसरा एक अखिलेश यादव जी की भी पार्टी आ सकती है, इन दोनों के चांसेस हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी की पार्टी क्यों, बीजेपी ने ऐसे कौन से खराब काम किए कि आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रही है? देखिए युवा के उनके खिलाफ रोष है, वो तो आप युवा से ही पूछिए, यूपी के गलियों गलियों में ही जाके पूछ लीजिए। रोजगार दिए, रोष नहीं है, रोजगार दिए युवाओं को, रोजगार दिए या बेरोजगारी दिए, उन्होंने वो तो यही कह देंगे कि पकोड़ा तल लो रोजगार मिल जाएगा। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं ना, आप ही बता दीजिए आत्मनिर्भर भारत कैसे, आपसे मैं सवाल पूछती हूँ आत्मनिर्भर भारत कैसे है? देखिए नहीं आपने रोजगार के पोस्टर लगे, आप दिल्ली से आती हैं तो दिल्ली में देखिए, वो तो ये भी कहते थे 100 करोड़ की वैक्सीन के लिए मोदी जी आपका लाखों बारी धन्यवाद, ये तो बहुत हमारी गलियों में पोस्टर लगे, हमको वैसे हमारे ही परिवारों हमारे ही गली के लोगों में आज तक वैक्सीन नहीं लगी।